एक निजी ट्रेवल कंपनी ने दावा किया है कि मालदीव भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी लक्षद्वीप मालदीव विवाद के कारण यात्राओं में फर्क दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले अब मालदीव के लिए टिकट और पैकेज बुकिंग में कमी आई है। पहले भारत से मालदीव जाने के लिए काफी ज्यादा क्वेरीज आती थी, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी ट्रेवल कंपनी में मालदीव के लिए क्वेरीज और बुकिंग में गिरावट देखने को मिल रही है। तो लक्षद्वीप के लिए इस विवाद के बाद ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। मालदीव की बुकिंग कभी 10 हैं, कभी 15 हैं, कभी 20 हैं, मतलब इस तरह से रेगुलर, बिकॉज हम होलसेलर हैं, B2B करते हैं, ट्रैवल इंटो का काम है हमारा, हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील नहीं करते, तो एवरीडे अलग अलग तरह की बुकिंग, बट अभी थोड़े से उसमें कमी आनी शुरू हो चुकी हैं जी। है ना, जब से ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये बातें हुई हैं, मालदीव के जो मिनिस्टर्स ने किए हैं, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो उसका डेफिनेटली उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो हम इंडस्ट्री वाले नहीं चाहते, बिकॉज उससे हमारा रोज़गार जुड़ा है। बट अगर बात, फिर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बात हमारे प्रधानमंत्री की है और हमारे देश की है, तो मैं अपने देश और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ जी। अभी किस तरीके की स्थिति हो रही है, क्या बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हैं, होल्ड पर हैं, क्या है? हाँ, बुकिंग अभी काफ़ी, जो मैं देख रहा हूँ कि बुकिंग काफ़ी होल्ड पे जा रही है। इनफैक्ट मैंने खुद न्यू ईयर जाके मालदीव में मनाया है और काफ़ी अच्छा नंबर हमने दिसंबर में भी किया है, जनवरी में भी थे, बट अभी काफ़ी बुकिंग्स हमारी होल्ड पे जा रही हैं, तो ये इम्पैक्ट तो आ रहा है। बट आई होप के वहाँ की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, अगर बात करें, माफ़ी मांगे सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो गलत बोला है तो गलत को तो उनको सुधारना पड़ेगा, और अगर हमारा देश, हमारे मुल्क, हमारे कंट्री के लोग अगर उसको बायकॉट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दिल में बातें लगी हैं, तो ऐसी बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो एंड ऑफ द डे हम अपनी कंट्री के साथ और अपने PM के साथ खड़े हैं। लक्षद्वीप की मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वेरी आनी स्टार्ट हो चुकी है और आएंगी, और मैं लक्षद्वीप करूंगा भी, क्योंकि लक्षद्वीप एक आने वाले टाइम में बहुत हॉट डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि उसे पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने टूरिज्म सेक्टर में आकर के किसी एक डेस्टिनेशन को पर्सनल लेवल पर जाके एक प्रमोशन दी है बहुत बड़े लेवल पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लक्षद्वीप शायद हो सकता है मालदीव को भी बीट कर दे आने वाले टाइम में, और बहुत अच्छे नंबर्स लक्षद्वीप के होने वाले हैं। आपको बता दें, हाल ही में पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे, जहां पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद मालदीव के मंत्रियों ने वीडियो पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद से बॉयकॉट मालदीव, इंडिया वर्सेस मालदीव जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं, जिसका असर अब ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनीज और हॉलीडे डेस्टिनेशंस पर भी पड़ रहा है।